सुबह से लेकर शाम तक माननीय बीजेपी विधायक राजेश गौतम जी की गाड़ी गांव-गांव घूमती रही। उनके साथ उनकी पूरी टीम हर कस्बे में लोगों के बीच पहुंचकर कोरोना की जानकारी दी और साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया। विदित हो कि कुछ दिनों से वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही, जिससे विक्षुब्ध होकर माननीय विधायक जी अपनी टीम के साथ लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का प्रयास किए और साथ ही लोगों के मन से डर को दूर भगाने की बात कही। कोरोना काल चल रहा है, जनसभा में एक तरीके से हम लोग जा कर के ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जो हमारी सरकार वैक्सीनेशन के माध्यम से हर व्यक्ति टीकाकरण जो शुरुआत हुआ 18 वर्ष के ऊपर वाले युवा साथी हैं और 45 वर्ष के जिनका टीकाकरण हुआ है। हमारी सरकार ने गांव-गांव जाकर के कैंप लगा करके लोगों को टीकाकरण कर दिया है। हमारा सिर्फ लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ऑनलाइन करा करके टीकाकरण जो वैक्सीनेशन हो रहा है अपना वैक्सीनेशन कराएँ। और मेरा सिर्फ आप सबके माध्यम से यही अपील है कि अभी भी कोरोना खत्म हो रहा है, हम लोग कोरोना पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी सरकार कंट्रोल कर रही है, लेकिन मास्क अनिवार्य पहनना, बार बार हाथ धोने का काम करें और अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर के माध्यम से सलाह लेकर के दवाई लें। अभी हमको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाज यही चिंता करते रहते हैं कि किस तरीके से इस वैश्विक महामारी में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, व्यवस्था पहुंचाने का काम किया है। इसी सब के माध्यम से अपने संगठन के लोगों से बात करके गांव में कैसे ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं कोविड-19 का और कैसे जागरूक होकर के लोगों को बताएं कि कैसे हम कोरोना से। सुल्तानपुर से आनंद कुमार शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।